हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राठौर, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करें हम लड़कियों की, तो आजकल की लड़कियां हर फील्ड में अपने आप को बखूबी रखना जानती हैं, फिर चाहे वो मेकअप हो या ड्रेसिंग स्टाइल। लड़कियां हर फील्ड में खुद को परफेक्ट रखना अच्छे से ही जानती हैं, पर इतना सब जानने के बाद भी क्या उनकी तैयारी पक्की होती है या उन्होंने पूरी तरह से अपने पर्स में वो सारी चीज़ें रखी होती हैं जो उनको बाहर जाने टाइम काम आ सके। ऐसी ही कुछ छोटी मोटी बातें लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात आज हम बताना चाहेंगे। जो गर्ल्स कॉलेज या वर्किंग है, रोज़ उनका सुबह शाम अपडेट होता है, आना जाना बाहर रहता है, वो लड़कियाँ सबसे पहले अपने पर्स में फेस रखें। ज़्यादातर बाहर जाने टाइम धूल मिट्टी पसीने से हमारी त्वचा ख़राब हो जाती है। इसको फ्रेश करने के लिए हमारे पास कभी वक्त होता है नहीं होता, वॉशरूम में जाना पॉसिबल होता है या नहीं होता, इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे पर्स में फेस वाइप्स होगी तो हम उसको कहीं भी किसी भी टाइम अपना यूज़ कर फेस क्लीन कर सकते हैं। दूसरा आता है हैंड सैनिटाइज़र। ज़्यादातर जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कैंटीन में, क्लासरूम में फ्रेंड्स से हैंडशेक वगैरह करने से कुछ कीटाणु हमारे हाथों में लग जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार हम वॉशरूम जाएं, काफ़ी टाइम मुश्किल भी हो जाता है, इसलिए हाथों को फ्रेश करने के लिए सैनिटाइज़र रखना ज़रूरी होता है। कंघी, अधिकतर महिलाओं के पर्स में कंघी देखने को मिलती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि बाहर आने जाने में बसों में बाल ख़राब हो जाते हैं, कभी मौसम चेंज हो जाता है इस टाइम, इसलिए हमें किस तरह के हेयर स्टाइल या अपने हेयर को ठीक करने के लिए कंघी रखनी ज़रूरी होती है। इसी तरह वैक्स नेल होता है, त्वचा फट जाती है, रूखी हो जाती है, इसको मॉइस्चराइज़र करने के लिए वैक्स नेल भी ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, जाना आपने ये बातें सुनने में तो मामूली सी लगेंगी, लेकिन हम महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर जाने और अपना फ्रेश रखना हर पल एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन होता है। खुद को फ्रेश करने के लिए हम इन छोटी बातों को अपने साथ रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो बेटर होगा। आप कोशिश करें हर जब भी बाहर जाए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने को हर पल फ्रेश बनाए रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो अच्छे से देख पाएंगे।